हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूरिक एसिड के लिए एक ऐसी रेमेडी जिसको फॉलो करके आप अपनी बॉडी के अंदर बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को कंट्रोल में ला सकते हो। वैसे तो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब यूरिक एसिड की मात्रा बॉडी में बहुत बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। हमारी बॉडी में बहुत पेन रहता है, जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, एड़ियों में बहुत दर्द होता है। तो आज एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी इफेक्टिव रहेगी आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर मिंट लीव्स, यानी कि पुदीने की पत्तियाँ। पुदीने की पत्तियाँ जो है मैंने एक मुट्ठी के करीब लिया। पुदीने की पत्तियाँ जो है ये आपकी बॉडी से हर तरह के दर्द को दूर करेगी, आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की लेवल को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए कोरिएंडर लीव्स, यानी कि धनिए की पत्तियाँ। धनिए की पत्तियाँ भी मैंने यहाँ एक मुट्ठी ली है, ये भी यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती है। और ये जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वेट लॉस में भी काफ़ी इफेक्टिव वर्क करती है। तो नेक्स्ट जो है हमें यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट चाहिए गाइस, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, वो भी यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और वो है अदरक, यानी कि जिंजर। जिंजर का मैंने यहाँ छोटा सा टुकड़ा लिया है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है यूरिक एसिड की वजह से, तो ये जो जिंजर है ये आपके लिए पेन किलर का काम करेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर चाहिए लेमन। लेमन जो है ये विटामिन सी से भरपूर होता है और यूरिक एसिड की मात्रा को बैलेंस करने में भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। तो हमें यहाँ पर जो है ना आधा लेमन का टुकड़ा चाहिए, पूरा लेमन हमें नहीं चाहिए। तो चलिए अब इस रेमेडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, पुदीने की पत्तियों को, धनिए की पत्तियों को और अदरक के टुकड़े को, इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करके आपने इसकी पूरी डस्ट निकाल देनी है। चाहे एक से दो बार आपको वॉश करना पड़े, आपने चेक करना है कि वॉश करने के बाद इसमें से सारी डर्ट निकली है या नहीं, उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से वॉश कर रही हूँ गाइस, और वॉश करने के बाद जो है आपने इसका सारा पानी जो है एक्स्ट्रा निकाल देना है जो कि वॉश करने के दौरान इसके अंदर चला गया था। तो चलिए अब इसको बनाते हैं। कैसे बनाना है, हमने एक गैस के ऊपर जो है ना एक पैन रख दीजिए, और पैन में आपने डालना है एक गिलास पानी। एक गिलास पानी जो है यहाँ पर सफिशिएंट है इस रेमेडी को बनाने के लिए। गाइस यूरिक एसिड की मात्रा जब बॉडी में बढ़ती है तो हमें बहुत सारी दूसरी बीमारियाँ होने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए इस रेमेडी को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। एक गिलास पानी के अंदर आपने यहाँ पर पुदीने की पत्तियाँ और धनिए की पत्तियाँ डाल देनी है, और उसके बाद आपने जो है ना इसको देखो, आप देख रहे हो कि हल्का गर्म होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने यहाँ पर अदरक के जो कटे हुए टुकड़े हैं जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था, वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं, और अब आपने इसको अच्छे से बॉईल होने देना है। फ्लेम आपने जो है मीडियम टू लो रखनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पर जब ये ड्रिंक पकेगा तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। गाइस यूरिक एसिड हमारे को बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, सुबह उठते ही जो है एड़ियों में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। सबसे ज़्यादा इसकी जो निशानी है यूरिक एसिड की जो लक्षण है वो एड़ियों में दर्द होना ही है, जो कि सुबह उठते ही अगर एड़ियों में दर्द हो तो समझिए यूरिक एसिड आपका बढ़ गया है। तो इस तरह से जैसे मैं ये ड्रिंक बना रही हूँ इस तरह से ही आप बनाइएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर। और अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये ड्रिंक बनाना है और पीना है, वैसे अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका यूरिक एसिड जरूर कंट्रोल में आ जाएगा। मैं बीच में अब चेक कर रही हूँ कि क्या ये हमारा ड्रिंक रेडी हो गया है, क्योंकि पानी रिड्यूस हो रहा था और इस ड्रिंक का कलर भी चेंज हो गया। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब इसको मैं गिलास के अंदर जो है ना ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप देख सकते हो अभी गर्म है और कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है पुदीने का और हरे धनिए का, अदरक का। तो अच्छे कलर में हमारा ये जो है ना गिलास में हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके अंदर हमने जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है गाइस, वो है लेमन जूस। लेमन जूस जो है आपने आधा कटा हुआ नींबू इसके अंदर जो है ना स्क्वीज़ करना है। इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि एक गिलास पानी हमने यहाँ पर लिया था और ये आधा गिलास की मात्रा में रह गया है, आधे से भी ज़रा सा कम है। तो ऐसे ही आपने इसको रेडी करना है पीने के लिए, तभी जो है इसकी क्वांटिटी, तभी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। कई लोग पूछेंगे कि डेढ़ गिलास पानी लेना है या कितना कम करना है, किस हिसाब से करना है, तो वो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें आधा नींबू का रस डाल दीजिए और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। ये आपका यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट जो है ना बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसको रोजाना
खाना खाने के आधे घंटे बाद पीते हो, दिन में एक बार बस, ज़्यादा पीने की जरूरत नहीं है। दिन में किसी भी टाइम, चाहे ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद या डिनर के बाद, खाना खाने के आधे घंटे के बाद इस तरह से लूक वॉर्म अगर आप बैठकर सिप सिप करके इस ड्रिंक को पीते हो तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो कंट्रोल में आ जाएगा। बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बैलेंस होने लगेगा बॉडी में, जॉइंट्स में, शोल्डर्स में, और आपके जो एड़ियां हैं ये सारी दर्द जो है आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी और आप एकदम से हेल्दी फील करोगे। गाइस, ये रेमेडी ना केवल यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बेनिफिशियल है बल्कि साथ साथ ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें ही आपके साथ शेयर की जाती हैं, तो आप मेरे बताए हुए इस तरीके को फॉलो करके ज़रूर ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन पर बताना ज़रूर कि ये ड्रिंक आपने बनाया है, पिया है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशनल वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगी। मिलूंगी आपको फिर से एक अच्छे से अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।